हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ मुकुल चोपड़ा। आज मैं आपको बता रहा हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ बैरिंग यूज इन मोटर। ठीक है जी। तो इसमें अलग अलग हम बैरिंग जो यूज करते हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। ये 6203 बैरिंग है आपका, ये 6202 है, 6201 है, 6002 है, 6001 है, 608 है। ठीक है जी सर। तो ये बैरिंग कई प्रकार के होते हैं, पर ये जो हमारे आमतौर पे मोटर वाइंडिंग में इस्तेमाल होते हैं उस बैरिंग की मैं आपको बता रहा हूँ जो मोटर में हमारे लगते हैं। यस सर। ठीक है जी। तो ये बैरिंग जो है ये आपका ये भी सीलिंग फैन में इस्तेमाल होते हैं, ये कोई ये आपका फराटा में इस्तेमाल होता है, ये आपके जॉ फैन में यूज होते हैं, अलग अलग यूज हो सकते हैं। ये जो आपका ये भी सीलिंग फैन में यूज होता है 6203 बैरिंग। यस सर। तो बैरिंग जो है वो आपके आप अलग अलग बैरिंग तरह के आते हैं। मैं आपको बैरिंग का पता दिखाता हूँ जो हमारे खराब बैरिंग है। पहले आपको कि जैसे ये 6203 बैरिंग है, ये खराब है, इसमें जंग लगा हुआ है। तो इसको कैसे चेक करते हैं, तो अगर ये पहले आप चेक करोगे ये तो इसमें ये देखो ये प्ले आएगी इसमें, ऐसे इसको प्ले बोलते हैं। इसमें इसमें जो गोलियां है ना इसमें ये गोली, तो इसको जब इसको ऐसे ऐसे करेंगे तो ये हिलेगा बैरिंग। तो ये जो इसको आप मिट्टी के तेल से धोने के बाद ग्रीस भी कर लेंगे तब भी ये बैरिंग जो आपका आवाज करेगा। तो ऐसे बैरिंग आप चेक कर सकते हैं। तो ये अगर आप बैरिंग आपने चेक करना हो तो ठीक है। तो बैरिंग चेक करने की कोई भी बैरिंग चेक करना हो तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। तो आपको आज मैं बता देता हूँ कि भी बैरिंग ना दो तरह के आते हैं, एक सील टाइप एक नॉन सील टाइप। ठीक है। ये जो है नॉन सील टाइप बैरिंग है। ठीक है। आजकल के दिनों में ये जो सील टाइप बैरिंग आ रहा है ये वाला, इसके ऊपर क्या है कि ये ऊपर से चढ़ा हुआ है दोनों साइड से, तो इसमें क्या है कि बैरिंग जब इसके अंदर सील जो ग्रीस होती है वो अंदर से गिरती नहीं है। जब बिल्कुल ग्रीस सूख जाती है तब ये जो हम इसको निकाल के मिट्टी के तेल से धो के दोबारा ग्रीस करके हम चला भी सकते हैं इसको। यस सर। ठीक है। तो ये आपका बैरिंग ये सील टाइप बैरिंग है, ये सारे सील टाइप बैरिंग है ये वाले। सर सील्ड और अनसील्ड में फर्क क्या है, दोनों में कौन से बेहतर है? जो सील टाइप बैरिंग है वो इसमें फायदा ये है कि भी आपकी सील जो ग्रीस है वो गिरती नहीं है जब आप फिट कर लेते हो सीलिंग फैन में, मान लो आपने फिट किया है। यस सर। तो इसकी जो ग्रीस है वो अंदर ही रहेगी, जब सीजन बंद भी हो गया पखा बंद भी हो गया तो भी अंदर ही रहेगी। यस सर। और नॉन सील में क्या होता है कि ग्रीस आपकी नीचे प्लेट लगाई भी होती है सीलिंग फैन में, फिर भी वो ग्रीस जो है वो आपकी अंदर से गिर जाती है, तो सूखा बैरिंग चलने लग जाता है। यस सर। ठीक है। इसका कि इन्होंने ये मॉडिफाई किया हुआ है कि अब सील बैरिंग आ रहे हैं आजकल। ठीक है। अगर सील बैरिंग खराब भी हो जाए तो ये जैसे सील बैरिंग यहाँ पे पड़ा है तो इसको इसकी ग्रीस अगर अंदर से सूख भी जाए, अगर अभी सील इसकी ग्रीस ठीक है इस साइड से सील है, एक साइड से हम निकाल के दोबारा आप ग्रीस लगा के दोबारा इसको आप चला सकते हो। ये देखो ठीक है, इसको आप चला सकते हो इस वाले बैरिंग को। ठीक है। ये वाले बैरिंग पहले ऐसे आते थे सिंपल वाले में। ठीक है। अब आपने और कुछ सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सर इसमें हमें एक और चीज बताइए कि जो ये बैरिंग है ये हमने आपने बताया कि जैसे एग्जॉस्ट फैन और इसमें फ्राटा वगैरह में यूज करते हैं, तो इसके अलावा हम और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? पानी की मोटर में होते हैं, ड्रिल मशीन में होते हैं, हैमर में होते हैं, बहुत जगह होते हैं, कहाँ नहीं होते ये बैरिंग यूज। बहुत जगह जितने भी मोटर है हमारी बड़ी बड़ी जो मोटरें आती हैं उनमें भी यूज होते हैं। ये तो मैं आपको डोमेस्टिक बैरिंग के बारे में मोटरों के बारे में बता रहा हूँ। यस सर। ठीक है। कूलर की मोटर में नहीं होता, वर एग्जॉस्ट फैन की मोटर में होता है। यस सर। ठीक है। कुछ मोटर जो हाई स्पीड मोटर होते हैं उनमें बैरिंग होते ही होते हैं। जो ज्यादा स्पीड की बैरिंग ज्यादा स्पीड के होते हैं उसमें बैरिंग होते हैं, जो स्पीड कम होती है उसमें जो है बुश होते हैं। राइट सर। हाँ जी सर। एक और चीज बताइए कि इसमें हम जो ये बैरिंग है ये कैसे पता लगेगा हमें कि ये ठीक है और ये खराब है, कैसे चेक करेंगे? वो तो मैंने आपको बता दिया, फिर भी आपको दोबारा बता देता हूँ कि आप यहाँ से इसको अगर आप एक तो इसको होल्ड करेंगे तो ये आपका आपका ये हिलेगा एक साइड से, ये बड़े ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। ये देखो ना, ये अगर ये आपका ये जो गोलियां में प्ले आ जाए तो फिर आपका जो है बैरिंग जो है आप अगर ग्रीस भी करोगे तो भी ये आवाज करेगा। ये देखो ये हिल रहा है ना ये बैरिंग। ये सर। तो इस करके ये बैरिंग को आजकल के नए बैरिंग भी रिपेयरेबल आते हैं तो उसमें भी आपको चेक करके लेना चाहिए लेने से पहले। नहीं तो इसमें और रिपेयरेबल कुछ नहीं हो सकता ये अगर इसमें प्ले है तो? आप अच्छी कंपनी का ले लो, SKF का ले लो, जो कंपनी के अच्छे हैं बैरिंग, तो वो वाले बैरिंग लोगे तो वो महंगे पड़ते हैं, पर आपको आप वो वाले बैरिंग लोगे तो उसमें आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यस सर। हाँ जी।
सर एक और बात बताइए, ये सीलिंग फैन में कई बार हम ऑन करते हैं तो उसमें आवाज आती है घूम घूम करके, तो वो किस वजह से आ रही होती है? उसमें या तो आपका बैरिंग में आपकी प्ले आ गई है, या आपका जो बैरिंग की जो आपकी जो उसमें ग्रीसिंग जो है बिल्कुल कभी आपने की नहीं है तो उसके भी कारण से भी आती है, तो इससे एक साइड से वो चिपक जाता है। वैसे फ्री घूमता है, जैसे आप चलाते हैं तो एक साइड से चिपक जाता है। यस सर। तो उसमें क्या होता है कि ये जैसे सीलिंग फैन का ये स्टेटर है, तो इसमें ये इसके अंदर ये शाफ्ट है, ये वाली शाफ्ट है, ये वाली, ये ऊपर बैरिंग बड़ा का लगता है, नीचे बैरिंग छोटा लगता है। जैसे इसमें ये 6201 नंबर बैरिंग है, अब जैसे ये बैरिंग जो है बड़े आराम से अंदर बाहर जा रहा है, तो ये इसमें ये लूज माना जाएगा अगर ये बिल्कुल ऐसी प्ले आ रही हो, ऐसे प्ले आ रही हो ना, ऐसे इसको प्ले बोलते हैं। ये कब आती है प्ले, कि अगर ये जब बैरिंग आपका जाम हो जाए, ये वाला बैरिंग जाम हो जाए, तो ये बुश का काम करना शुरू कर देता है। तो लोग बड़े फकर से कहते हैं कि हमारा से 10 साल से पंखा चल रहा है, कोई आवाज नहीं करता। तो क्या होता है कि अंदर क्या होता है कि जाम हो जाती, बाहर वाला बैरिंग घूमना बंद हो जाता है, तो ये बुश का काम करने लग जाता है, लोहे से लोहे रगड़ता है, तो ये जो शाफ्ट होती है कमजोर होती है, कट जाती है। ये देखो पहले भी इसमें कट मारे हुए हैं, ये देखो ये कट दिख रहे हैं आपको, ये हम इसको छैनी से कट मार देते हैं अगर थोड़ी बहुत प्ले आ जाए तो। यस सर। ठीक है, अगर आप ऐसे ये पूछोगे कि भी बैरिंग में अगर मान लो ये मैं नया लाया, ये नया बैरिंग है, फिर भी इसमें प्ले है, मैंने पुराना बैरिंग बदलने के बाद भी इसमें प्ले आ रही है, बड़े आराम से अंदर बाहर जा रहा है, तो अगर आप इसका हल यही होगा, पुराना बैरिंग भी आपका चल सकता है, पहले आपको इसको चैनी से आपको कट मारने पड़ेंगे। सर ये कहाँ पे मारते हैं हम कट, और कितने कट? जहाँ पे आपका ये बैरिंग आपने आपने सीट पे बैठेगा, ये इतने ही जगह पे बैठना है, ये बिल्कुल इसमें टाइट होना चाहिए, ऐसे बाहर नहीं आना चाहिए ऐसे ऐसे। यस सर। तो ये इसमें कट मारोगे आप तब ये है, ये तब आपका ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा बैरिंग इसमें। सर अगर इसमें कट मारने से भी फर्क ना पड़े फिर क्या करेंगे हम? वो जब होता है कि अगर आपकी एक शार्ट बिल्कुल एक साइड से बिल्कुल डाउन ही आ जाए, फिर क्या होता है कि आपको आपको खराती के पास लेके जाना पड़ेगा, वो उसको वेल्ड करेगा, उस पर मसाला चढ़ाएगा, फिर उसको टर्न आउट करेगा, वो फिर आपको पहले बोल देगा कि आपका पक्का हो सकता है आपका सड़ जाए, क्योंकि अगर अर्थ हुआ हुआ हो तो। यस सर। तो आपका उसमें से कस्टमर को आपको पहले बताना पड़ेगा कि आपका ये शाफ्ट बाजार में वैसे तो मिलती थी पहले, आजकल के दिनों में नहीं मिलती, ये शाफ्ट निकल के दोबारा डल भी जाती है, यहाँ से आप ठोकोगे तो ये शाफ्ट बाहर आ जाती है। यस सर। कोई प्राणी आपके पास शाफ्ट पड़ी है तो डल जाए, नहीं तो आमतौर पर फिर क्या है कि आपको मसाला चढ़ा के इसको टर्न कराना पड़ेगा, तो बैरिंग बिल्कुल टाइट हो जाएगा, नए के बराबर बन जाएगा। यस सर। हाँ जी। सर एक और चीज बताओ, इसमें हमने सीलिंग फैन में बेयरिंग भी चेंज कर दिया, सारा कुछ ओके कर दिया, उसके बाद भी कई बार आवाज आ रही होती है फैन में, वो किस वजह से आती है फिर? उसके दो कारण होते हैं, जैसे अभी ये स्टेटर आपका पड़ा है सीलिंग फैन का, इसमें क्या होता है कईयों में ना, कई जो पुराने पखे हैं आजकल भी आ रहे हैं, कईयों में जो बुश होता है नीचे होता है, नीचे नीचे बुश होता है, ऊपर बैरिंग होता है। यस सर। उसको सिंगल बॉल बैरिंग बोलते हैं, तो वो पक्का सस्ता आता है बाजार में अगर आप लेने भी जाओगे, तो उसमें क्या होता है कि बैरिंग तो नहीं कटता, जो बुश है वो नीचे से कट जाता है। यस सर। ठीक है, जहाँ पे बुश वाली जगह बनी हुई है। ठीक है। एक तो कारण ये भी है कि आपने बैरिंग तो ठीक कर दिया फिर भी बुश कटा हुआ है, तो बुश तो वो आपको बनवा के डलवाना पड़ेगा या बुश को चेंज कराना पड़ेगा। ठीक है, एक कारण तो ये। अगर आपके डबल बॉल बैरिंग है, डबल बॉल बैरिंग का मतलब कि नीचे भी बैरिंग ऊपर भी बैरिंग, इधर भी बैरिंग है इधर भी बैरिंग, इधर बड़ा बैरिंग है इधर छोटा बैरिंग है, या सेम बैरिंग है। ठीक है, फिर भी आपका अगर आपकी आपकी आवाज आ रही है, तो इसका मतलब कि आवाज इस करके आ रही है कि आपका जो जो बैरिंग है उसमें प्ले आ रही है, जैसे मैंने आपको ये दिखाया भी था, ये बैरिंग जैसे ये पुराना बैरिंग है इसमें प्ले आ रही है, अगर जो प्ले आने की वजह से भी कई बार क्या होती है जो बाहर की जो सीट है वो लूज आ रही हो, जिसमें फिट हो रहा है बैरिंग, वो बहुत ऐसे ऐसे डांस कर रहा है, वो जहाँ बैरिंग फिट होता है ना उसकी सीट लूज हो तब भी ये आवाज करता है, जबकि हमारा बैरिंग बिल्कुल टाइट आ गए दोनों जगह नीचे से भी ऊपर से भी। यस सर। ठीक है जी, तो बैरिंग की कई कारण, ये बैरिंग का ये भी कारण है कि आप कहोगे कि मैंने बैरिंग भी ठीक कर दिए तब भी हमारी आवाज आ रही, तो अभी ये हमारा कारण होता है फिटिंग प्रॉब्लम। फिटिंग प्रॉब्लम की वजह से भी स्टार्टिंग में आवाज आती है घूम घूम की, बाद में जब रफ्तार ले लेता फिर आवाज नहीं आती। यस सर। तो सर फिटिंग प्रॉब्लम जो होती है उसमें क्या होता है कि हमें फिर से निकाल के सारा फिट करना पड़ता है? नहीं, इसका अगर जो रोटर होता है रिंग अगर आपका उल्टा फिट हो जाए, तो उसका भी मैं कभी वीडियो डाउनलोड करूंगा, मैंने तो आज बैरिंग के ऊपर बात कर रहे हैं, तो कभी आपको करूंगा तो आपको बताऊंगा कि फिटिंग प्रॉब्लम जब आवाज कैसी आती है।
तब आपको क्लियर होगा वो ज्यादा। यस सर। हाँ जी सर, आप हमें प्रैक्टिकल कट मारना दिखा देंगे एक बार, कैसे मारते हैं इसमें? हाँ जी बता देते हैं। ठीक है, ये जैसे अब यहाँ पे स्टेटर है, ये यहाँ रखा है ऐसे, तो ये यहाँ पे इसके ऊपर रख के आप इसके ऊपर हैमर से मारेंगे आप, तो इसके ऊपर ये कट थोड़ा थोड़ा मारना आपने चारों कोनों में, जैसे ये मारा एक ऐसे। अगर आपका ज़्यादा लग गया तो फिर बैरिंग आपका टाइट भी हो जाएगा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इस तरह से आपको कट मारने हैं। अगर कट मारने से आपका काम हो जाता है फिर आपको खराती के पास जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा इधर करके जहाँ पे सीट है, जहाँ पे बैरिंग चलना है वहाँ, तो ये आप यहाँ पे जो बैरिंग वाला लूज आ रहा था वो टाइट हो जाएगा। अभी आपको डाल के भी दिखा देता हूँ। ठीक है जी, अब ये वाला जो बैरिंग था ना, ये वाला डाल रहे थे, तब ये जो है अभी भी लूज है इसमें, आगे से अब टाइट हो गया थोड़ा सा, इस पर ज़्यादा कट मारने पड़ेंगे। ये वाला यहाँ पे बिल्कुल टाइट होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा सा टाइट हुआ है ये, पर यहाँ पहले से टाइट हुआ है, तो इसको थोड़ा और कट मारेंगे तो ये और टाइट हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो इसी तरह से कट मारने होते हैं, टेढ़े करके तिरछे करके कट मारने होंगे लंबे लंबे आपको, तो आपको उस हिसाब से मारने की भी बैरिंग आपको बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो जाए, जाए ना अंदर। ये यहाँ पे टाइट है, पर आगे जाके अभी भी बीच में देखो ये प्ले है, ये देखो ये वाली ये प्ले हटानी है, फिर भी आप कट मार देता हूँ मैं आपको हटाने हैं तो, ये थोड़ा और पकड़ो यहाँ से, ऐसा करके पकड़ो थोड़ा, ये इधर इधर पीछे। अब ये जो कट ऐसे छैनी से मारने होते हैं, कट मारने के बाद अब इसके बीच में बैरिंग डालेंगे तो अब ये टाइट आएगा, आना चाहिए ये। अब ये देखो ये जो है ये अभी भी इसमें है लूज, पर अभी इतना लूज भी अभी भी लूज है, तो ये ज़्यादा कट मांग रहा है, तो इस तरह से कट मारने होते हैं। तो मैंने आपको विधि बता दिया है, अब इसी तरह से आप कट मार सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो अगर आपको ज़्यादा अगर फिर भी अगर आपका ये नहीं हो रहा तो आपको इसमें मसाला चढ़ाना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसको आपको वहाँ से वो खराती इसको करेगा, तो अब आपको ये बैरिंग इसमें चढ़ेगा। यस सर। अगर आप बैरिंग बहुत लूज होगा फिर नहीं होगा। यस सर। ठीक है जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बैरिंग के बारे में आपको समझ आ गया होगा, तो इस वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।